श्री राजू भाई जी का अभिनंदन करेंगे। कचरा भर गया और भर गया तुम जा। राजू भाई जी का पुष्प गुच्छ द्वारा अभिनंदन करेंगे। और इसके बाद हम क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे और बहुत जल्द ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी एक घंटे का विलंब हो चुका है, इसलिए मैं यह व्याख्यान और यह मंच श्री राजीव भाई जी को देता हूँ। और इसके साथ ही हम सब इस भारत स्वाभिमान के आंदोलन में जुड़े ऐसा आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। सरिया नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में संवाद करने का, बात करने का मौका मिलता है। मैं आप सब से इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि करीब एक घंटे देरी से मैं आया। रास्ते में सड़क थोड़ी खराब है और मैं झारसूगुड़ा से आ रहा हूँ, तो सड़क खराब और दूरी के कारण थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक आंदोलन शुरू किया है। संपूर्ण भारत देश में यह आंदोलन अभी चल रहा है। भारत के करीब 600 जिलों में इस आंदोलन के 2,50,000 योग शिक्षक तन मन धन से काम कर रहे हैं। अगले 2 वर्षों में करीब 11,00,000 योग शिक्षक इस आंदोलन में और जुड़ने वाले हैं। और 2 वर्षों के बाद हमारे इस भारत स्वाभिमान में 13,50,000 योग शिक्षक हो जाएंगे। तब हमारी ऐसी भावना है कि भारत के हर एक गांव तक हम इस आंदोलन को पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाना, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? इस भारत स्वाभिमान आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है भारत के लोगों को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, सभी भारतवासियों की बीमारियों को मिटाना, ये पहला उद्देश्य है। साउंड थोड़ा कम रखिए हैं और ईगो बिल्कुल नहीं। पहला उद्देश्य है भारत के हरेक नागरिक को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, हरेक व्यक्ति की बीमारियों को मिटाना। और दूसरा उद्देश्य है अपने भारत देश की जो बुराइयां हैं और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, बेरोजगारी। हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है भूखमरी, महंगाई। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है नशाखोरी, व्यसन, मांसाहार। हमारे देश में एक बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आतंकवाद। इन सबको हम ठीक करना चाहते हैं। तो एक तरफ भारत को अच्छा बनाना है, भारत की बुराइयां और भारत की समस्याएं ठीक करनी है। दूसरी तरफ भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना है, निरोग बनाना है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि भारत के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, निरोग बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए हर एक भारतवासी को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद के बारे में बताएंगे, ताकि हर व्यक्ति अपना इलाज स्वयं कर सके। क्यों? आपके मन में सवाल आएगा, ये क्यों करेंगे? क्योंकि इस समय भारत के लोग बहुत बीमार हैं। अपने भारत देश में आजादी के 64 सालों के बाद भी बहुत सारी बीमारियां हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत देश में लगभग 100 करोड़ लोग बीमार हैं। हमारी जो कुल आबादी है वो 120 करोड़ की है और 120 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ भारतवासी बीमार हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस बीमार और 80% अगर भारत के लोग बीमार हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है।
इसका मतलब ये है कि एक परिवार में अगर 5 व्यक्ति हैं तो हर परिवार में 4 परिवारी बीमार, और इस कारण देश के विकास में, देश की तरक्की में बहुत रुकावट है। आप जानते हैं कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो वो ना अपना भला कर सकता है ना किसी दूसरे का, और आप ये भी समझते हैं कि जब आदमी बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार उससे परेशान होता है, पैसे खर्च होते हैं, समय बर्बाद होता है, चिंता लग जाती है, तनाव हो जाता है, बहुत तरह की तकलीफें आ जाती हैं। तो अपने देश में 80 करोड़ लोग बीमार हैं, माफ़ करना 100 करोड़ लोग बीमार हैं, इसके कारण देश को कई तरह की परेशानियां। हमारी जो भारत सरकार है इसका एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। उस मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि भारत में करीब 70 करोड़ लोगों को तो खून की कमी की बीमारी है। 70 करोड़ लोगों को खून की कमी है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया, रक्त की कमी, खून की कमी। 70 करोड़ भारतवासियों को ये बीमारी है, और इन 70 करोड़ भारतवासियों में से 40 करोड़ हमारी माताएं हैं जिनको ये बीमारी है। ये बहुत गंभीर बीमारी है, खून की कमी, और हमारी 40 करोड़ माताओं को चूंकि खून की कमी की बीमारी है तो इसलिए हर साल उन माताओं से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो विकलांग हो जाते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, और लाखों बच्चे बिना दूध के मर जाते हैं। हमारे भारत में हर साल 2,38,00,000 बच्चे जन्म लेते हैं, इनमें से 56,00,000 बच्चे जन्म लेने के थोड़ी देर बाद ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूध नहीं मिल पाता पीने को, और क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन बच्चों की माताओं के शरीर में दूध नहीं है। क्यों? क्योंकि उन माताओं के शरीर में खून की बहुत कमी है। जिन माताओं को शरीर में खून कम होता है उनको दूध नहीं बनता, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनको दूध ही चाहिए, माताओं को पूरा दूध नहीं उतरता शरीर में, तो बच्चे भूख से मर जाते हैं। 56,00,000, और हर साल अपने देश में 80-90,00,000 ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के शरीर में यही समस्या है, खून की कमी है, कैल्शियम नहीं है, विटामिन्स नहीं है, मूल पोषक तत्व उन्हें नहीं मिल पाते, और ज्यादातर बच्चे जो विकलांग होते हैं शारीरिक और मानसिक, इनका कारण भी यही है कि उनकी माताएं बहुत कमजोर हैं, शरीर में खून की कमी है। क्योंकि जिस माँ के शरीर में खून की कमी होगी वो सभी माँ के बच्चों के शरीर में भी खून की कमी हो, और जब खून कम होता है शरीर में तो हर चीज कम होती है, बुद्धि कम होती है, मन का विकास नहीं होता, बुद्धि का विकास नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं ये पूरा शरीर खून से ही चलता है, रक्त खून वही जीवन देता है, और वही कम हो जाए तो सब चीज कम हो जाए। आंखों की रोशनी कम होगी, दिमाग से सोचना कम होगा, बुद्धि कम चलेगी, खाना पीना अगर खाएंगे भी तो हजम नहीं होगा ठीक से, शरीर कमजोर होगा, हड्डियां कमजोर होगी, मांस नहीं होगा शरीर पर, तरह तरह की कमजोरियों के शिकार होंगे ऐसे भारत में लाखों बच्चे। इसके बाद हमारे देश की सरकार का कहना है कि भारत में 5,70,00,000 लोगों को डायबिटीज है, 4,80,00,000 लोगों को हृदय रोग है, 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा अस्थमा है, टीबी है, 17 करोड़ भारतवासियों के घुटनों में दर्द है, 20 करोड़ भारतवासियों को हाई बीपी और लो बीपी है। ये सब बीमारियां बहुत ज़्यादा है देश में,
अब समस्या क्या है कि बीमारियां तो बहुत हैं और इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि अपने भारत देश में सरकार कहती है कि उसके पास बीमार लोगों का इलाज करने के पैसे नहीं है। एक साल में सरकार सभी भारत के बीमार लोगों के लिए 23,700 करोड़ रुपए खर्च करती है। पूरे देश में 100 करोड़ बीमार लोग हैं और इनके लिए 23,700 करोड़ का खर्च होता है, और इस खर्चे में 20,000 करोड़ खर्च होता है जो बीमार लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वार्ड बॉय हैं, उनकी तनख्वाह देने में, उनका TADA देने में ही 20,000 करोड़ चला जाता है। तो बीमार आदमी की चिकित्सा के लिए गोली देनी है, इंजेक्शन देना है, उनको कैप्सूल देना है, ऑपरेशन करना है, इस सब काम में सिर्फ 3,700 करोड़ खर्च होता है और बीमार है 100 करोड़, तो हर आदमी का खर्च 37 रुपये आता है। मैंने एक साल में आपके देश की सरकार आपको 37 रुपये खर्च करती है बीमारी के इलाज पर। अब आप सोचिए कि 37 रुपये अगर सरकार आपको खर्च कर रही है तो उसमें तो कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो सरकारी पैसे से किसी का इलाज नहीं हो पाता। फिर दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता है कि हम प्राइवेट इलाज कराएं, लेकिन प्राइवेट इलाज कराने के लिए सबके पास पैसे थे। भारत में करीब 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि वो एक दिन में 20 रुपये भी नहीं खर्च कर पाते, तो वो कहाँ जाए, किस डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि डॉक्टर की फीस अभी 100 करोड़ रुपये में है, दवाएं बहुत महंगी हैं, और इलाज कराने से पहले कई बार डॉक्टर जांच करवा देता है कि सिटी स्कैन करा लो, MRI करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, वो हजारों रुपए का खर्च। एक MRI कराना पड़े तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपए खर्च होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़े तो 3 से 4 हजार का खर्चा, सिटी स्कैन भी 5-6 हजार का होता है। अब खाली खून की जांच करें, पेशाब की जांच कराएं, उसमें भी सैकड़ों खर्च होता है, तो गरीब आदमी तो कर नहीं पाता ये खर्च, तो ज्यादातर गरीब तो बिना इलाज के ही मर जाते, ना उनको दवा मिल पाती है ना डॉक्टर। हमारे देश में ये बड़ा बुरा हाल है। तो अब क्या करें फिर इसके लिए, क्या रास्ता है? इसका एक ही रास्ता है कि हम सब भारतवासी अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए कुछ ऐसी विद्या सीखें, कुछ ऐसा ज्ञान लें जो हमारे हर बीमारी को बिना पैसा खर्च किए ठीक है, क्योंकि पैसे सबके पास नहीं है खर्च करने। तो भारत के हर नागरिक को बिना पैसा खर्च किए अपनी बीमारियों का इलाज कराने का हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है, उसी का नाम है भारत स्वामी। इस अभियान में हम क्या कर रहे हैं, हर भारतवासी को योग और प्राणायाम सिखा रहे हैं, क्योंकि योग सीखने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, प्राणायाम सीखने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, और हमारे सारे योग शिक्षक गांव गांव जाकर जो योग कक्षाएं लगाते हैं उसमें पैसे खर्च नहीं होते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति योग सीखे, प्राणायाम सीखे और बीमारी ठीक करे अपनी। आपके मन में ये सवाल आएगा, क्या योग प्राणायाम से सब बीमारी ठीक होती है? हाँ, सभी बीमारी ठीक हो जाती है। योग प्राणायाम और आयुर्वेद से हमारे शरीर की हर एक बीमारी ठीक होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो बीमारियां एलोपैथी आधुनिक चिकित्सा में ठीक नहीं होती वो भी योग प्राणायाम से ठीक होती है। जैसे बहुत खतरनाक बीमारी है डायबिटीज, मैंने बताया आपसे 5,70,00,000 लोगों को ये बीमारी है, अब ये एलोपैथी में ठीक नहीं होती, आप सालों साल इंसुलिन लेते रहिए कभी भी ठीक नहीं होती, बल्कि इसमें उल्टा हो जाता है कि
कि अगर आपको डायबिटीज हो गई और आपने इंसुलिन लेना शुरू किया, थोड़े ही दिन में इंसुलिन का भयंकर दुष्परिणाम होता है। आपकी किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये सब इंसुलिन के दुष्परिणाम। सारी दुनिया के चिकित्सा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक इंसुलिन होती है, तो इसका कोई इलाज नहीं हो पाता। तो अब क्या करें? तो इसको आयुर्वेद में, योग प्राणायाम में ठीक होने की संभावना है। तो हम प्राणायाम और योग आसन करें और आयुर्वेद की कुछ दवाएं खाएं, उससे हम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। आप पूछेंगे, हमें तो पता नहीं। उसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं और आज मैं आपको कुछ गंभीर बीमारियों के बारे में बताऊंगा। आपके पास अगर कागज है, पेन है, डायरी है, तो आप इसे लिख लो, क्योंकि हम भूल जाते हैं। जितनी देर मैं बात करूंगा उतनी देर आपको याद रहेगा, घर जाके आप भूल जाएंगे कि राजीव भाई ने क्या बताया। तो इसलिए आप लिख लो, जिनके पास कागज है, पेन है, डायरी है, पेपर है, वो लिख लो। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो जीवन भर आपके काम आएंगी। डायबिटीज नाम की जैसे बीमारी है, बहुत गंभीर रोग है, इसके लिए हमें क्या करना है? जो भी लोगों को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उनको हर दिन कम से कम 1 घंटे प्राणायाम करना, 5 मिनट करना है भस्त्रिका प्राणायाम, आधा घंटे करना है कपालभाति और आधा घंटे करना है अनुलोम विलोम। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? बहुत सरल है, आराम से बैठ जाइए, जैसे मैं बैठा हूं आप बैठे हैं, और आंखें बंद कर लीजिए और लंबी सांस भरिए, लंबी सांस छोड़िए। धीरे धीरे सांस भरना, धीरे धीरे सांस छोड़ना, इसी प्राणायाम को भस्त्रिका कहते हैं। ये 5 मिनट रोज करें जिनको डायबिटीज है। दूसरा एक प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है? सांस को झटके से बाहर निकालना, और जब सांस बाहर निकलेगी तो पेट अंदर जाएगा। मैं एक तरीके से आपको दिखाता हूं, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम, सांस को झटके से कैसे निकालते हैं? बस यही है। इसको आधा घंटे करना हर दिन सवेरे खाली पेट। आधे घंटे में अगर आप इसे लगातार करेंगे तो 2000 बार हो जाता है। थक जाए तो बीच में विश्राम कर ले, फिर दोबारा शुरू कर दे। तो ये है कपालभाति। ये हर एक व्यक्ति को करना है जिसकी शुगर बढ़ी हुई है, डायबिटीज है, मधुमेह का रोग जिनको है। और तीसरा एक प्राणायाम करना है, उसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब क्या होता है? हमारी जो दाहिनी नाक है इसको बंद करना और बाई नाक से पूरी सांस निकाल देना, फिर बाई नाक से पूरी सांस भरना और दाहिनी नाक से निकालना, फिर दाहिनी नाक से सांस भरना, बाई से निकालना। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। 1 मिनट बताता हूं आपको करके। बस इसी तरह से करना, पहले दाहिनी नाक को बंद करना है शुरू करने में, बस इसका याद रखना। दाहिनी नाक बंद करके शुरू करते हैं, बाईं से सांस निकालेंगे,
फिर बाएं से भरेंगे, दाहिने से निकालेंगे, दाहिने से भरेंगे बाएं, इसी को लगातार आधा घंटे करना, ये है अनुलोम विलोम। बस ये तीन प्राणायाम रोज करने, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटे, अनुलोम विलोम आधा घंटे। तो ये तो रोज करना 1 घंटे, इससे शुगर और डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक होती है। और इसके साथ एक आयुर्वेद की दवा अपने घर में बना लेना, अपने घर में बना लेना, बाजार से दवा लाकर खरीद कर आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। और शायद बाजार ना भी जाना पड़े, घर में ही मिल जाएगा। 4 चीजें उसमें लगती है दवा बनाने में, इसका फॉर्मूला आप लिख लो। घर में आपके मेथी दाना है ना, मेथी दाना ये लेना 100 ग्राम, डायबिटीज की दवा बनानी है, शुगर की, मधुमेह की दवा बनाने के लिए 100 ग्राम लेना है मेथी का दाना। मेथी दाना तो आप सबके घर में आप पहचानते हैं, मेथी दाना तो पहचानते हैं ना, तो 100 ग्राम लेना और इसको धूप में सुखा लेना, फिर पत्थर में पीस के इसका बना लेना पाउडर, 100 ग्राम मेथी दाना। एक है 100 ग्राम लेना तेज पत्ता, तेज पत्ता आप सब समझते हैं घर में है, मसाले में, गरम मसाले, इसको धूप में सुखाकर इसका बना लेना पाउडर 100 ग्राम तेज पत्ता। तीसरी एक दवा है, उसका नाम है जामुन की गुठली। जामुन का फल होता है, हम खाते हैं, उसकी जो गुठली है वो फेंकना नहीं, ये बहुत कीमती चीज है। जामुन की गुठली शुगर की बीमारी को, डायबिटीज को सबसे जल्दी ठीक करती है। तो 150 ग्राम लेना जामुन की गुठली। और चौथी एक दवा है, वो है बेल पत्र के पत्ते। शंकर जी को जो हम बेलपत्र के पत्ते चढ़ाते हैं, वो लेना 250 ग्राम, 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते, ठीक है। 150 ग्राम जामुन की गुठली, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम तेज पत्ता, ये चारों को धूप में सुखाकर पीस कर पाउडर बना के आपस में मिला लेना, बस यही दवा है डायबिटीज की। अब इसको खाएंगे कैसे, 1 चम्मच सुबह खाना गर्म पानी से और 1 चम्मच शाम को खाना गर्म पानी से, खाना खाने के 1 घंटे पहले। सुबह आप खाना खाते हैं जिसको नाश्ता कहते हैं उससे 1 घंटे पहले, और शाम को खाना खाते हैं उससे 1 घंटे पहले, ये दवा आपको खानी है और गर्म पानी से खाना लगातार 1.5-2 महीने आप ये दवा खाइए और प्राणायाम करते जाइए, उतने में आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। और 2 महीने बाद जांच करा लेना, खून की जांच कराना, तो डॉक्टर बताएगा कि अभी शुगर कितनी है। अगर डॉक्टर कहता है कि 140-150 के आसपास है खाना खाने के बाद, तो आप दवा बंद कर देना। ये जो दवा मैंने बताई, ये दवा है, भोजन नहीं है, लगातार नहीं खाना, 1.5-2 महीने में बंद कर देना। जब डॉक्टर ये कहे कि अब शुगर ठीक हो गई है, बस दवा बंद कर देना, लेकिन प्राणायाम बंद नहीं करना, प्राणायाम को शुरू रखना। तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि जिंदगी में कभी भी दूसरी बार आपको शुगर की बीमारी नहीं हो, डायबिटीज नहीं हो। ये है बहुत सरल इलाज डायबिटीज का। अब अगर आप ये दवा बनाएंगे तो बेलपत्र खरीदना तो नहीं पड़ेगा, वो तो मिल जाएगा, हमें तो भगवान ने दिया है, और जा पड़ेगी क्योंकि जामुन खाने के बाद गुठली बेकार फेंक देते हैं, उसी को सुखा के काम में आ जाएगा। तो ये 2 चीजें तो मुफ्त में मिल गई। मेथी दाना खरीदना पड़ेगा, 100 ग्राम मेथी दाना 8-10 रुपए का है, 100 ग्राम तेज पत्ता 10-12 रुपए का है, मैंने 25 रुपए में दवा तैयार हो गई। और जितनी दवा आपने बनाई है ये 4 महीने चलेगी, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएंगे,
तो 25 रुपए में आपकी शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना सस्ता इलाज कोई नहीं करता पूरी दुनिया। दवा 20-25 रुपए की बनेगी, रुपए की, और प्राणायाम तो निःशुल्क होगा। तो इस तरह से आप अपनी शुगर को ठीक कर लें। और मेरा निवेदन है कि जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं, सबको बताइए, क्योंकि भारत में 5,70,00,000 लोगों को ये बीमारी है और लोग इससे दुखी हैं, बहुत परेशान। सबको हम बताएंगे तो उनको भी लाभ होगा और भारत का 1,000,000,000,000 रुपए हम बचा पाएंगे जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने में बर्बाद हो। ठीक है, अब इसमें एक आखिरी बात है, एक सावधानी रखनी है कि इस बीमारी का इलाज करते हुए, डायबिटीज का इलाज करते हुए चीनी नहीं खाएं, चीनी खाना बंद करें, क्योंकि चीनी इस बीमारी को ठीक नहीं होने देती। दवा खाएंगे बीमारी ठीक होगी, प्राणायाम करेंगे बीमारी ठीक होगी, लेकिन चीनी खाते रहेंगे तो ये बीमारी कभी नहीं ठीक होगी। इसलिए चीनी बंद करें, और चीनी बंद करने से ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है। मेरा तो एक निवेदन है कि जिनको ये बीमारी नहीं है वो भी चीनी बंद करें, चीनी अच्छी चीज नहीं है। आप बोलेंगे जी चीनी में खराबी क्या है, उल्टी बात अगर करो कि चीनी में अच्छाई क्या है ये जानने की कोशिश करो, तो चीनी में कुछ भी अच्छी बात नहीं। अगर आप थोड़ा भी विज्ञान के बारे में जानते हैं तो चीनी में किसी भी तरह का कोई भी शरीर को फायदा देने वाला एक भी तत्व तो नहीं है। चीनी में ना कैल्शियम है, चीनी में ना आयरन है, चीनी में ना मैग्नीशियम है, चीनी में ना मैंगनीज है, चीनी में ना सोडियम है, चीनी में ना पोटेशियम है। शरीर को काम आने वाली चीजें हैं ये सब, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब शरीर को काम आते हैं। कैल्शियम से हड्डी बनती है, फास्फोरस से हड्डी बनती है, आयरन से खून बनता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज से दिमाग ठीक रहता है, पोटेशियम से शरीर, ये सब काम आने वाली चीजें हैं। चीनी में ये एक भी नहीं है, कोई सूक्ष्म पोषक तत्व चीनी में नहीं है, और चीनी में प्रोटीन भी नहीं है, चीनी में विटामिन भी नहीं है। तो क्या है चीनी में, सिर्फ मीठापन है और कुछ है। और ये जो मीठापन है ना चीनी में, वो ऐसा खतरनाक है कि शरीर के वो काम नहीं आता, शरीर को नुकसान ही करता है। मीठापन तो दुनिया में चीनी में भी है और भगवान के बनाए गए सभी फलों में भी है। जैसे आम है, आम मीठा होता है, केला मीठा होता है, संतरा मीठा होता है, मौसम्बी मीठी होती है, लेकिन आम केला संतरा मौसम्बी ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं और चीनी आदमी ने बनाई है। चीनी में भी मीठापन है, आम में भी है, लेकिन आम का जो मीठापन है वो शरीर को तुरंत काम में लगता है, चीनी का मीठापन काम में नहीं आता। चीनी के मीठेपन को विज्ञान की भाषा में सुक्रोज कहते हैं, और आम केले आदि के मीठेपन को, फल के मिठाई को विज्ञान की भाषा में फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये जो फलों का मीठापन है ये फ्रक्टोज है, और चीनी का मीठापन है वो सुक्रोज है। सुक्रोज कभी भी हजम नहीं होता और फ्रक्टोज सबसे जल्दी हजम होता है। आप आम खाओगे तो आम की जो मिठाई है वो तुरंत आपके खून को बढ़ाएगी, आप केला खाओगे केले में जो मीठापन है वो तुरंत खून बढ़ा देगा, आप संतरा मौसम्बी खाओगे वो तुरंत खून बढ़ा देगा आपका, लेकिन ये चीनी का मीठापन खून को बढ़ाता नहीं है, ये खून को गाढ़ा बना देता है। एक मिठाई है जो हम खाएं तो शरीर का खून बढ़ता है, और एक मिठाई है जो खाएं उससे खून मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, खून में कीचड़ आ जाता है, कचरा आ जाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल फिर 103 खतरनाक बीमारियां पैदा कर देता है।
इसलिए मेरा आप सबको निवेदन है कि आप चीनी छोड़ ही दें तो अच्छा है। आपको डायबिटीज है तब तो छोड़नी पड़ेगी, ये तो पक्का है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, स्वस्थ है, तो भी चीनी छोड़ दें, क्योंकि ये हजम नहीं होता। मैं आपको एक सरल बात समझाना चाहता हूँ। आप खाना खाइए, कुछ भी खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी आदि आदि, और पीछे से एक चम्मच चीनी खा लीजिए, तो जितना खाना आपने खाया ये 8 से 10 घंटे हजम ही नहीं होगा, ये पेट में पड़ा रहेगा। क्यों? चीनी खा ली आपने। चीनी खाने को हजम नहीं होने देते। अब इसका उल्टा समझाता हूं कि आपने खाना खाया और पीछे से एक आम खा लिया, आम है ना, या दो आम खा लिए, या एक केला खा लिया, तो एक केले में जो मिठाई है, जो फ्रक्टोज है, वो खाने को 4 घंटे में ही हजम करा देगा। एक मीठी चीज है जो ईश्वर ने बनाई, वो खाने को हजम कराती है जल्दी, और एक मीठी चीज है जो आदमी ने बनाई, वो खाने को हजम ही नहीं होने देती। आपको ये बात मालूम है कि हम कुछ भी खाना खाएं तो उसको 6 घंटे लगते हैं हजम होने, लेकिन खाने के पीछे से केला खा लो, आम खा लो, संतरे का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, गन्ने का रस पी लो, ये सब ईश्वर की बनाई हुई मिठाइयाँ अगर आप खाते हो तो वो खाना 4 घंटे में ही पच जाएगा। और चीनी खाई आपने तो वो 8 से 10 घंटे तक खाना नहीं पचेगा। और खाना जब पचता है तो खून में बदलता है, और खाना जब पचता नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। और मैंने आपसे कहा कि कोलेस्ट्रॉल वो खतरनाक शैतान है जो 103 बीमारियां पैदा करता है, इसलिए आप चीनी छोड़। और वैसे भी चीनी बहुत महंगी है, क्या फालतू में पैसा खर्च करें खा खा के। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब चीनी खरीदते हो तो उसका सारा पैसा भारत के सबसे ज्यादा बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता है। जितनी चीनी आप खरीदते, आपको मालूम है ये चीनी बनती कहाँ है? शुगर मिल में, चीनी के कारखाने, चीनी के सारे कारखाने भारत के महाभ्रष्ट नेताओं ने लगा रखे। इस हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता सबसे ज्यादा चीनी मिल चलाता है, और आप चीनी खरीद रहे हो तो सब पैसा उसी के घर में जाता है, और वो उस पैसे से और बड़ी बेईमानी करता है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा चीनी बनती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की सारी चीनी मिले भारत के सबसे कमीने और बेईमान नेता की, महाभ्रष्ट। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चीनी मिले कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, ये सब राज्यों में मैं घूम चुका हूं, और हर एक चीनी मिल का रिकॉर्ड है मेरे पास। सारा पैसा बेईमान भ्रष्ट कमीने हरामी नेताओं के घर में जाता है, जितनी चीनी आप खरीद। परिणाम क्या होता है? आपके पैसे से ही वो भ्रष्टाचार करते हैं। तो अच्छा है कि चीनी मत खरीदो, तो कम से कम बेईमान और भ्रष्ट नेताओं को पैसे नहीं मिलेंगे, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चीनी नहीं खाओगे तो आप पूछोगे फिर क्या खाएं? गुड़ खाओ, गुड़ है ना, वो चीनी से अच्छा, और 10-20 गुना नहीं 1000 गुना अच्छा है चीनी से। ये जो गुड़ है इसको बनाते हैं भारत के गरीब किसान, और अगर आप गुड़ खाओगे तो आपका पैसा गरीब किसानों के घर में सीधे जाएगा। गन्ने की खेती किसान करते, गन्ने का रस किसान निकालते हैं, गुड़ वो बनाते हैं, तो आप गुड़ खरीदोगे तो पैसा गरीब किसान को मिलेगा, और चीनी खरीदोगे तो बेईमान और हरामी नेताओं को पैसा मिलेगा। आप सोचो, गुड़ खाओ। अब गुड़ के फायदे बहुत है, चीनी के तो नुकसान ही नुकसान है। गुड़ के फायदे क्या है? गुड़ जो है ना भगवान का बनाया हुआ है। गन्ने का रस है वो हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया।
हम उसको गर्म करते हैं बस गुड़ बन जाता है, उसमें कुछ मिलाना मिलाना नहीं पड़ता है। थोड़ा रस को गर्म करते समय दूध डालते हैं ताकि वो साफ हो जाए, या भिंडी होती है ना भिंडी, भिंडी का रस डाल देते हैं तो साफ हो जाए। तो गुड़ है बनाया हुआ ईश्वर का, और मैंने कहा कि ईश्वर की बनाई हर मीठी चीज अच्छी है, क्योंकि उसको कहते हैं फ्रक्टोज, और ये अच्छी इसलिए है कि ये खुद हजम हो जाती है और इसके साथ खाई हुई हर चीज हजम हो जाती है। आप खाना खाओ उसके पीछे थोड़ा सा गुड़ खा लो, तो ये थोड़ा सा गुड़ पूरे खाने को 4 घंटे में हजम करा देगा। मैं आपको समझा रहा था कि आपने खाना खाया, कितना भी खाना खा लो पीछे से थोड़ा गुड़ खा लो तो सारा खाना 4 घंटे में हजम हो जाता है, जबकि मैंने आपको कहा खाने को हजम होने में वैसे 6 घंटे लगते हैं, लेकिन खाने के पीछे से गुड़ खा लिया तो जल्दी हजम होता है। और खाना जल्दी हजम होने का मतलब है खून में बदलना, हम जो कुछ खाते हैं ना उसका खून बनता है, तो खाना हजम हुआ तो जल्दी खून बनेगा, तो गुड़ खाना बहुत अच्छा है। और गुड़ में जो है वो सब चीजें हैं जो शरीर को चाहिए, जैसे शरीर को हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए, गुड़ में भरपूर कैल्शियम, हड्डियां मजबूत करने के लिए शरीर को फास्फोरस चाहिए, गुड़ में भरपूर फास्फोरस, हमारे दिमाग को अच्छा रखने के लिए पोटेशियम मैग्नीशियम और मैंगनीज चाहिए, गुड़ में भरपूर मात्रा में। तो गुड़ में वो सब चीजें हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाती है, तो आप गुड़ खाओ, चीनी बनो, चाय पीनी है तो गुड़ की पियो, दूध पीना है तो गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का खाओ, हलवा बनाना है गुड़ से बनाओ, लड्डू बनाना है गुड़ का बनाओ, पेड़ा बनाना है गुड़ का बनाओ, सब मिठाई गुड़ की बनवाओ, चीनी बंद करो। तो आप जानते हैं सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, सब लोग अगर चीनी खाना बंद कर दें तो किसी को डायबिटीज नहीं हो सकती। ये 5 करोड़ 70 लाख लोगों को डायबिटीज हुई है, ये चीनी का चक्कर है। आपको मैं एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, भारत के लोगों ने चीनी खाना तब से शुरू किया जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में कोई चीनी नहीं खाता था। अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया था और उनकी सरकार बनाई, तो उन्होंने चीनी मिल लगवाई सबसे पहले 1868 में, पहली चीनी मिल भारत में लगी सन 1868 और चीनी बनी उसमें, और वो अंग्रेज खाते थे, फिर हमको भी खिलाना शुरू कर दिया। उसके पहले तो सारे भारत के लोग गुड़ खाते थे, हजारों साल से गुड़ खाते थे हम, और 1868 तक भारत में कोई मरीज नहीं था जो डायबिटीज का पेशेंट था, एक भी मरीज नहीं जिसको शुगर की बीमारी हुई। ये हमने जब चीनी खाना शुरू किया तब से ये बीमारी आई। और एक बात बताता हूँ आपको, जब तक हमने चीनी नहीं खाई कोई भी भारतवासी मोटा नहीं था, सब दुबले पतले, किसी को मोटापा नहीं आता था,
क्योंकि गुड़ कभी भी किसी का मोटापा नहीं बढ़ाता, लेकिन चीनी बहुत मोटापा बढ़ाती है, बहुत मोटा कर देती है चीनी। तो हम गुड़ जब तक खाते थे तो हमारे देश में ना डायबिटीज थी ना मोटापा था, और डायबिटीज मोटापा ना हो तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता किसी को, लो ब्लड प्रेशर नहीं होता, और जो चीनी नहीं खाओ तो ये घुटनों का रोग नहीं आ सकता आपको कभी भी। जो चीनी नहीं खाते उनके घुटनों में दर्द नहीं होता था, और जो चीनी नहीं खाते उनको 103 बीमारियां नहीं होती कभी, 103 रोग चीनी से आते हैं। तो आप चीनी छोड़ दोगे तो बीमारियां भी कम हो जाएंगी, मोटापा कम होगा, डायबिटीज ठीक होगी, हाई बीपी ठीक होगा, दमा अस्थमा ठीक होगा, घुटनों का दर्द कमर का दर्द ठीक होगा। छोड़ के देखो, मेरे कहने पर चीनी छोड़ दो और देखो कितना अच्छा होता है शरीर आपका। जो लोगों की तौंद बाहर निकली है, पेट बाहर निकला है, वो थोड़े दिन चीनी छोड़ दें, देखो कितने अच्छे से पेट अंदर जाता है। जिनका वजन ज्यादा है वो चीनी छोड़ दें, देखो कितना जल्दी वजन कम होता है। तो चीनी छोड़ के गुड़ खा लो, गुड़, केला खाओ, गुड़ खाओ, संतरा खाओ, आम खाओ, अनार खाओ, भगवान की बनी हुई मिठाई खाओ, शैतान की बनी हुई मत खाओ। ये चीनी शैतान ने बनाई, आदमी शैतान है। और वो शैतान कब हो जाता है, जब लालच घुस जाता है उसमें, और आदमी में ही लालच घुस सकता है, ईश्वर कभी लालची नहीं होता। ईश्वर ना स्वार्थी होता है ना लालची होता है, वो जो चीज बनाएगा वो परफेक्ट है, और आदमी जो बनाएगा उसमें गड़बड़ी। समझ में आया? बंद करोगे चीनी? माताएं घर में से चीनी निकाली, चीनी निकाल के गुड़ ले आना, ठीक है? अब जब गुड़ लाना तो थोड़ा देख के लाना। आजकल एक गुड़ ऐसा आ गया है बाजार में जो नकली, नकली मतलब बहुत ज्यादा सफेद होता है, ज्यादा सफेद रंग का जो गुड़ मिलता है ना वो सब खतरनाक है। उस गुड़ को बनाते हैं निर्मा भोषण पाउडर डाल, हाँ जो गुड़ थोड़ा लाल रंग का है, काले रंग का है, देखने में थोड़ा कम अच्छा लगता है, वही गुड़ अच्छा है खाने, तो देख के ला। वो ही अच्छा है। जो गुड़ काला काला दिखता है, लाल लाल दिखता है, वही असली है। और ये जो ज्यादा सफेद और पीला रंग का गुड़ है ना, इसमें निर्मा भोषण पाउडर मिलाते हैं, और मैंने देखा है अपनी आंखों से। महाराष्ट्र में कोल्हापुर नाम का एक जिला है, वहां के किसान ये सफेद और पीला गुड़ बनाते हैं और निर्मा पाउडर डाल डाल के बनाते हैं, और वो खुद नहीं खाते, उसे आपको बेच देते। और आप इस चक्कर में रहते हो कि जो गुड़ सफेद है, गोरा है, वो अच्छा है। हर गोरी चीज अच्छी नहीं होती, हर सफेद चीज। तो ये गुड़ जो है ना सफेद रंग, काला काला, लाल लाल, गहरा, जो देखने में खराब लग रहा वो तो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ भी आ रहा है। तो गुड़ खाओ, और गुड़ के जैसा ही सारे भगवान के बनाए गए फल खाओ। और गुड़ तो खजूर से भी बनता है, आप जानते हो, गुड़ तो गन्ने का भी होता है, गुड़ तो ताड़ के रस से ही बनता है। तो खजूर गुड़ मिले, ताड़ी गुड़ मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गन्ने का गुड़ तो रस मिलेगा। तो गुड़ खाओ, चीनी बंद, तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी और आपका शरीर पहले से अच्छा हो जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भारत के लोगों के पैसे गरीब किसानों को मिलेंगे और उन किसानों की गरीबी उस पैसे से मिलेगी। मैंने हिसाब निकाला है कि जितने भारतवासी चीनी खाते हैं उसे बंद कर दें, और जितने रुपए की वो चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाने लगे, तो 15 करोड़ गरीब किसानों को
हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते हैं। पंद्रह करोड़ गरीब किसान हैं जो गन्ने की खेती करते हैं पूरे देश में, और वो गरीब के गरीब हैं क्योंकि उनका गन्ना ये सब बेईमान और हरामी चीनी मिल वाले नेता ले लेते हैं और जबरदस्ती ले लेते हैं। आपको मालूम है जबरदस्ती, आपके गांव के बगल में अगर चीनी मिल लग गई तो आपको गन्ना उसी मिल को बेचना पड़ेगा, ये कानून बना दिया इन बेईमान नेताओं। आपकी मर्जी नहीं है उस चीनी मिल को गन्ना देने की, तो भी आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी आपको, लाठी मारेंगे, डंडे मारेंगे। और ये बेईमान नेता जो चीनी मिल चलाते हैं, ये कभी भी किसानों को गन्ना खरीद कर तुरंत पैसा नहीं देते, एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल उनका पैसा दबा के रखते रहते। गन्ना बेचारा पैदा किया दे किसान ने और बेच दिया चीनी मिल को, पैसा दो साल बाद, तीन साल बाद, चार साल बाद, बेचारे किसान भटकते हैं। और वो किसान गन्ना किसी और को बेचे तो पुलिस डंडे से मारती है क्योंकि कानून। इसलिए चीनी खाना भारत के करोड़ों गरीब किसानों के साथ अत्याचार करना, अन्याय करना, वो आप हक कर, क्योंकि ये किसान अपने ही भाई हैं, इनकी गरीबी दूर करने में थोड़ी मदद करो, गुड़ खाओ और गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ खाओ, गुड़ से बनी हुई एक शक्कर आती है, गुड़ शक्कर कहते हैं उसको, वो खाओ, गुड़ से खांड बनती है वो खाओ, गुड़ से मिश्री भी बनती है वो खाओ, चीनी बनती है। समझ में आने पर अब सबको समझाना, ठीक है, आज के बाद कौन कौन नहीं खाएगा चीनी, भाई जरा हाथ तोड़ उठा, बहुत अच्छा, हाथ नीचे, बहुत अच्छा। आगे चलें, जैसे ही आप चीनी छोड़ोगे तो फायदे आपके हैं, पहला फायदा है मोटापा कम होगा, दूसरा फायदा है शुगर ठीक रहेगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कम होंगे, घुटने का दर्द कम होगा, कमर का दर्द कम होगा, कंधे का दर्द कम होगा, कई बीमारियां ठीक होने लगेंगी। चलो आगे बढ़े, तो बात हो रही थी डायबिटीज की बीमारी की और चीनी बीच में आ गई, अच्छा हुआ मैंने आपको समझा दिया। तो हम डायबिटीज का इलाज करेंगे तो क्या करेंगे, 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 30 मिनट कपालभाति, 30 मिनट अनुलोम विलोम, और दवा खाएंगे जो मैंने बताई, 250 ग्राम बेल पत्र के पत्ते, 150 ग्राम जामुन की गुठली, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम तेज पत्ता, चारों को धूप में सुखा कर पीसेंगे, पाउडर बना के आपस में मिलाएंगे और एक चम्मच सुबह शाम खाएंगे गरम पानी के साथ, खाना खाने से एक घंटे पहले, दो ढाई महीने में ये ठीक कर देगा डायबिटीज को। अब जब शुगर ठीक हो जाए तो दवा बंद कर देना है, प्राणायाम को चालू रखना है। आगे चलो, अब एक और दूसरी गंभीर बीमारी की बात करता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, रक्त दबाव बढ़ गया। भारत में 20 करोड़ लोगों को ये बीमारी है, हाई बीपी और लो बीपी। तो अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए पहला इलाज तो वही है कि प्राणायाम करना, 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे अनुलोम विलोम, और दूसरा एक दवा खाना आयुर्वेद की हाई बीपी के, वो दवा क्या है, दालचीनी। दालचीनी आप समझते हैं, घर में है ये दालचीनी को थोड़ा धूप में सुखा लो, सुखाने के बाद पत्थर में पीसकर इसका पाउडर बना लो, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच शहद दोनों मिला के गर्म पानी के साथ खाओ, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद, किसके साथ, गर्म पानी के साथ, सवेरे खाली पेट। और अगर कोई कहे कि जी शहद तो बड़ा महंगा है मैं नहीं खरीद सकता, तो खाली आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी से ही खा लो,
तो भी हाई बीपी ठीक हो जाए। ठीक है, अब एक दूसरी और दवा है वो भी हाई बीपी में काम आती है, मेथी का दाना। मेथी दाना है घर में, इसको आधा चम्मच एक गिलास पानी में रात को भिगा दो, एक गिलास गर्म पानी आधा चम्मच मेथी दाना रात को डाल दो, रात भर ये पड़ा रहेगा, सवेरे उठकर उस पानी को पियो और मेथी दाने को चबा चबा के खा लो, ये भी हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर देता है, बहुत अच्छे से ठीक कर। तीसरी और एक अच्छी दवा है अपने घर में हाई बीपी के लिए, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक पेड़ होता है, उस पेड़ का जो तना होता है ना उसमें से छाल उतरती है, उसको धूप में सुखा लो, पत्थर में पीस के पाउडर बना लो और आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर गर्म पानी के साथ ले लो, और अगर पैसे खर्च कर सकते हैं तो शहद मिला के ले लो। है कौआ के अर्जुन की छाल को कौआ, चलो ठीक है कौआ कहुआ कहुआ ठीक कहुआ, अर्जुन की छाल को कहुआ कहते हैं छत्तीसगढ़, क्यों ठीक है ठीक। तो आप ये ले लो, ये बहुत अच्छी दवा है हाई बीपी के, और ये जो अर्जुन की छाल है ये जो है ना हृदय की भी बहुत अच्छी दवा है, हृदय में कोई बीमारी हो जाए, जैसे किसी के हृदय में ब्लॉकेज हो गया, डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन कराओ एंजियोप्लास्टी, उसमें 2 लाख रुपए खर्च होगा, फालतू आप ये पैसा मत खर्च करो, बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो जाओगे, पैसे ये अर्जुन की। और ये जो बेल पत्ता है ना ये हाई बीपी को भी ठीक करता है, शुगर को भी ठीक करता है, दोनों एक साथ ठीक होते हैं, शुगर की बीमारी भी ठीक होती है, डायबिटीज भी ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल इससे ठीक होता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक होता है, ये बेलपत्र बहुत अच्छी दवा है। मेरा आपको एक छोटा सा कहना है वो ये कि शंकर जी को जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वहीं छोड़ देते हैं मंदिर में बेलपत्र, पुजारी क्या करता है वो सब इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता है, हजारों टन बेलपत्र बर्बाद हो जाता है, जबकि वो करोड़ों लोगों की बीमारी ठीक कर सकता है। तो आप ऐसा किया करो कि शंकर जी को जो बेलपत्र आप चढ़ा रहे हो वो शंकर जी को स्पर्श करा के ले लिया करो, वो प्रसाद है शंकर जी का, क्योंकि शंकर जी तो खाएंगे नहीं, उन्होंने तो आपके लिए दिया है, उनको तो हाई बीपी भी नहीं है, लो बीपी भी नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, वो तो खाएंगे, आप खाओ। मैंने भारत के सारे शंकर जी के मंदिरों का अभी थोड़े दिन पहले एक हिसाब निकाला कि एक साल में 70,000 मीट्रिक टन बेलपत्र बर्बाद होता है शंकर जी के मंदिरों में, और इतने बेलपत्र से 20 करोड़ लोगों का हाई बीपी और शुगर ठीक किया जा सकता। तो मंदिर में मत छोड़ा करो बेलपत्र को, शंकर जी को स्पर्श कराया अब वो हो गया प्रसाद, उसको खा लो खुद, ठीक है। प्रसाद तो भगवान को भावना का होता है, बाकी तो हम खाते हैं ना, तो बेलपत्र को भी खा लिया करो चबा। तो बेलपत्र मोटापा ठीक करता है, देखो एक तो मोटापा कम कर देगा, हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर देगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक कर देगा, ट्राइग्लिसराइड ठीक कर देगा, शुगर ठीक कर देगा, बहुत अच्छी दवा। और एक आखिरी दवा बताता हूँ हाई बीपी के लिए, वो बहुत अच्छी है वो भी, वो दवा है गाय मूत्र, आधा कप गोमूत्र पिया करो रोज सुबह खाली पे, ये भी हाई बीपी को ठीक करता है, आधा कप गाय मूत्र, देशी गाय का मूत्र, भारत की जो नस्ल है ना देशी गाय उसका, एक तो विदेशी गाय भी है जर्सी और होलस्टीन उसका मत पीना, देशी गाय का आधा कप मूत्र रोज पी लो, हाई बीपी ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक होते हैं, शुगर ठीक होती है, डायबिटीज ठीक होती है, बहुत अच्छी दवा। बस इसमें एक सावधानी है
कि जब गाय का मूत्र लेंगे ना पीने को, तो वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर वो गर्भावस्था में है तो उसका मूत्र नहीं लेना पीने, वो नुकसान कर सकता है। तो जो गाय की बाछी है, जो माँ नहीं बनी, उसका सबसे अच्छा। अब देखो इतनी दवाई मैंने बताई हाई बीपी की, किसी में पैसे खर्च नहीं होने वाले। बेलपत्र मुफ्त में मिलेगा, गोमूत्र मुफ्त में मिलेगा, लौकी घर में आती है सब्जी बनाने के लिए, उसका रस भी मिल जाएगा। और मैंने बताया आपको दालचीनी तो सबके घर में है, तेज पत्ता मेथी दाना सब तो घर में ही हो जाता है, बाहर जाने की जरूरत है। आगे चले, अब लो बीपी के लिए कुछ दवाएं बताता हूँ। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी सबसे अच्छी दवा है गुड़। गुड़ को पानी में मिला के पियो, थोड़ा गुड़ ले लो, एक गिलास पानी मिला के उसमें नमक डाल के नींबू का रस डाल के पियो। एक गिलास पानी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा नींबू का रस और नमक, ये सब मिला के रोज पियो, सुबह दोपहर शाम तीन बार पी लो, तो लो बीपी बहुत जल्दी ठीक हो। लो बीपी की और एक अच्छी दवा है, अपने घर में ही है, ये जो गुड़ है ना इसको मक्खन में मिला के खाओ। मक्खन और गुड़, ताजा मक्खन और गुड़, ये लो बीपी को ठीक करता है। मिश्री है ना, मिश्री, वो मक्खन में मिला के खाओ, ये भी लो बीपी को ठीक करता है। मक्खन मिश्री लो बीपी की बहुत अच्छी दवा। दही है ना, दही, दही में गुड़ मिलाओ और उसमें नमक डाल के खाओ, नमक ज्यादा डालो, तो ये लो बीपी को ठीक करता है। दही की लस्सी बना लो मट्ठा और उसमें नमक मिला के गुड़ के साथ पियो, ये भी लो बीपी ठीक करता है। दूध में घी मिला के पियो, एक गिलास दूध में एक चम्मच गाय का घी, ये भी लो बीपी ठीक करता है। भैंस का घी है तो वो भी चल जाएगा, एक चम्मच घी एक गिलास दूध, ये लो बीपी ठीक करता है। अनार के रस में नमक मिला के पियो, ये लो बीपी ठीक करता है। गन्ने के रस में नमक मिला के पियो, ये भी लो बीपी ठीक करता है। संतरा मौसमी का रस नमक मिला के पियो, ये लो बीपी ठीक करता है। आम के रस में नमक मिला के पियो, ये भी लो बीपी ठीक करता है। बहुत दवाएं हैं लो बीपी। और कोई गरीब आदमी है जो ये सब नहीं कर सकता, तो उसको बताओ कि खाली नमक पानी में मिला के पीता रहे तो भी लो बीपी ठीक हो जाए। नमक और पानी, गरीब आदमी जो लो बीपी के शिकार है ना, उन सबको कहो नमक खाएं पानी में डालें, इससे लो बीपी ठीक हो। ठीक है, आगे चलें। और कुछ बीमारियों की बात करता हूं। सिर दर्द है, माथा दर्द, माथा दर्द है, इसकी सबसे अच्छी दवा है अपने घर में गाय का घी। गाय का घी हल्का गर्म करके एक एक बूंद दोनों नाक में डाल के रात को सो जाओ तो सभी माथा दर्द ठीक हो। और एक दूसरी दवा भी है माथा दर्द की, दालचीनी, जो मैंने बताई थी शुरू में, आधा चम्मच दालचीनी गर्म पानी के साथ खाओ तो इससे भी माथा दर्द। गाय घी उपयोग करो नाक में या तो दालचीनी। और ये जो गाय घी है ना, ये नाक में डाल के सो जाए तो इससे माथा दर्द ठीक होता है, इससे और भी कई बीमारी ठीक होती है। जैसे किसी के नाक से खून निकलता है, अक्सर नाक से खून आ जाता है गर्मियों में, क्या कहते हैं उसको, नकसीर। नकसीर की सबसे अच्छी दवा है गाय का घी, हल्का गर्म करो, एक एक बूंद दोनों नाक में डाल दो सोते समय, नाक से खून आना तुरंत बंद हो। और ये गाय का घी और कई बीमारियां ठीक करता है। जैसे किसी के नाक में मांस बढ़ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है, और डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कराओ, मत कराना, खाली गाय का घी डालते रहना नाक में, तो बिल्कुल ठीक कर दो। एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका नाम आपने सुना है साइनस, साइनोसाइटिस, उसकी सबसे अच्छी दवा यही है गाय का घी, नाक में डालो ठीक हो जाती है।
एक और खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है स्नोफीलिया। इस बीमारी में सर्दी जुकाम हमेशा होता रहता है, तो गाय का घी नाक में डाल के सोएंगे, स्नोफीलिया ठीक होता है। कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे जिनको सवेरे से शाम तक छींकें ही आती रहती हैं और नाक से पानी बहता रहता है, उनको आप बता दो कि गाय का घी हल्का गर्म करके नाक में डाल के सो, छींकें आना बंद। कोई लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोते समय नाक से आवाज निकालते हैं और विचित्र विचित्र आवाजें निकलती हैं। जो सोने वाले हैं ना वो तो मस्त सोते हैं, उनके पड़ोसी परेशान होते हैं। तो नाक से जिनको आवाज निकलती है ना, उसकी सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। हल्का गर्म करो, रात में नाक में डाल के सो जाओ, दो तीन दिन में आवाज आना बंद हो जाए। कई लोग हैं जिनको रात में नींद नहीं आती और गोली खाते हैं नींद की, उनको बोलो कि गाय का घी डाल के सोए, नींद बहुत अच्छी आती। और ये जो गाय का घी है ना, ये बहुत अच्छी दवा है जब किसी को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस। पैरालिसिस होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, तो उसमें क्या होता है कि दिमाग में कहीं खून जमा हो जाता है, तो गाय का घी डालते रहो नाक में तो वो सारा जमा हुआ खून पिघल जाता है। बहुत अच्छी दवा है ये गाय का घी। अब आप इसको घर में ही तैयार करना, गाय का दूध ले लेना, दूध का दही बना लेना, दही से मक्खन निकाल लेना, मक्खन को गर्म करना तो घी बन जाएगा, ठीक है। बनाना घर में, क्योंकि बाजार के घी का भरोसा नहीं। अगर आप बाजार का घी खरीदेंगे तो उसमें मिलावट है, घर में बनाना। दूध खरीद के, दही जमा के, और गाय के घी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है, ये खराब नहीं होता कभी। कांच की बोतल में गाय का घी रखो, कभी भी खराब नहीं होता, 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो इसलिए आप बना बना के रखते रहो, काम आएगा, आपके पड़ोसियों के काम आएगा। आगे चलें और कुछ बीमारियों की बात करें। आंखों की बीमारी, जैसे आंखों में कम दिखाई देता है, मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों में काला मोतिया हो सकता है, ग्लूकोमा जिसको कहते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट, आंखों का पर्दा खींच जाता है, आंखों से रात में नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसी को दिन में नहीं दिखता, डे ब्लाइंडनेस कहते हैं। ऐसी आंखों की जितनी बीमारियां आप जानते हैं सब, ताजा गाय का मूत्र एक एक बूंद आंख में डालो। सवेरे सवेरे गाय जो पहला मूत्र देती है ना, वो वाला एक एक बूंद आंख में डालो, बहुत अच्छे से आंखें ठीक होती है। और ऐसी कई आंखों की बीमारी ठीक होती है जो कभी ठीक होती नहीं, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट एक बीमारी है, ये जल्दी ठीक नहीं होती, करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ठीक नहीं, लेकिन गाय के मूत्र से बिल्कुल ठीक है। वो जो ड्रॉपर आता है ना, वो ड्रॉपर से गाय मूत्र भर के एक एक बूंद आंख में डाल, बहुत अच्छा है। और यही गोमूत्र जो है ना, कान में डालो, कान की बीमारी ठीक कर देता है। जैसे कान में किसी को सुनाई कम देता है तो उसको कहो गोमूत्र डाले। किसी किसी को कान में हर समय आवाज आती रहती है, ऐसे हम ऐसे आवाज आती है, वो हमिंग साउंड की बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र, कान में डालो ठीक। कान में जितना दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, एक बूंद गोमूत्र डालो, एक मिनट में ही दर्द बंद हो जाए, ताजा ताजा। कान में किसी के मवाद निकलता है, कई बार हमने देखा छोटे बच्चे के कान बहते रहते हैं, गोमूत्र डालो बिल्कुल बंद हो जाते हैं कान, बहुत अच्छी दवा है ये गोमूत्र। बस सावधानी इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र लेंगे वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए, और देशी गाय का। आगे चले, गले की कुछ बीमारियों की बात करूं,
गले में कितनी भी खराब से खराब बीमारी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, इसकी सबसे अच्छी दवा है हल्दी। जैसे गले में दर्द है, गले में खराश है, गले में खांसी है, गले में कफ जमा है, गले में टॉन्सिलाइटिस हो गया, ये सब बीमारियों में आधा चम्मच हल्दी लेना और मुंह खोलकर गले में डाल लेना, चम्मच में हल्दी भरना, अंदर गले में यहाँ डालना, जीभ पे नहीं गले में, और फिर थोड़ी देर चुप होके बैठ जाना, तो ये हल्दी गले में नीचे उतर जाएगी लार के साथ, और एक खुराक में ही सब बीमारी ठीक होगी, दोबारा डालने की जरूरत नहीं। ये छोटे बच्चों को तो जरूर करना, ये बच्चों के टॉन्सिल जब बहुत तकलीफ देते हैं ना, तो हम ऑपरेशन करवा के उनको कटवाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है, हल्दी से सब ठीक होता है। आगे चले, गले और छाती से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं, जैसे खांसी। खांसी का एक इलाज तो मैंने बताया, हल्दी गले में डालोगे खांसी तुरंत बंद हो जाएगी, कितनी भी जोर की खांसी। दूसरी दवा है अदरक। अदरक तो समझते हैं क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में अदरक ही कहते हैं। ये जो अदरक है ना, इसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख लो और टॉफी की तरह चूसो, खांसी तुरंत बंद हो जाए। और जब किसी का खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ता हो, तो अदरक का रस ले लो, उसमें थोड़ा पान का रस मिलाना, पान तो समझते हैं जो हम खाते हैं, पान का रस अदरक का रस दोनों मिलाना एक एक चम्मच, और उसमें मिलाना थोड़ा सा या तो गुड़ नहीं तो शहद, और इसको गर्म कर लेना थोड़ा, फिर पी लेना। तो जिनको खांसते खांसते चेहरा लाल पड़ता है, उनकी खांसी एक मिनट में ही बंद हो जाए। और एक अच्छी दवा है अनार, है ना अनार, इसका रस पियो गरम कर, अनार का रस गरम करके पियो, खांसी तुरंत ठीक होती है। काली मिर्च है, गोल मिर्च, इसको मुंह में रख के चबा लो, पीछे से गर्म पानी पी लो, खांसी बंद हो जाए। काली मिर्च को चूसो तो भी खांसी बंद हो जाए। बहुत दवाएं हैं खांसी। आगे चले, छाती की कुछ बीमारियां जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ये तीनों बीमारियों का सबसे अच्छा है इलाज है गाय मूत्र। आधा कप गोमूत्र पियो सवेरे का ताजा ताजा, तो दमा ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, ब्रोंकियल अस्थमा ठीक होता है, और गोमूत्र पीने से टीबी भी ठीक हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, लगातार 5-6 महीने पीना पड़ता है। और खांसी के साथ, माफ करना, ये छाती के साथ जो दमा अस्थमा है, इसकी दूसरी एक दवा है दालचीनी, जो मैंने पहले बताया। दालचीनी या तो गुड़ के साथ लेना या शहद के साथ गर्म पानी से, ये भी ठीक कर देता है दमा अस्थमा। पेट की कुछ बीमारियां हैं जैसे पेट खराब है, दस्त हो गए हैं, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा जीरा। आधा चम्मच जीरा चबा के खा लो, पीछे से गुनगुना पानी पी लो, तो दस्त एकदम बंद हो जाते हैं एक ही खुराक में। और जब बहुत ज्यादा दस्त हो, हर 2 मिनट में आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो आधा कप कच्चा दूध ले लो बिना गर्म किया हुआ, और उसमें नींबू डाल के जल्दी से पी लो। नींबू डालोगे ना दूध फट जाएगा, फटने से पहले पीना, और एक ही खुराक लेना, बस इतने में ही खतरनाक दस्त ठीक हो जाते हैं, एक ही खुराक। और एक दवा बताना चाहता हूं दस्त की, ये जो बेल पत्र पर फल लगता है ना, बेल का फल, उसका जो गूदा होता है वो आप चबा के खा लो, पीछे से थोड़ा पानी पी लो, ये भी दस्त ठीक कर देता है। बेल का पाउडर बनता है बाजार में, वो आप 1 चम्मच पाउडर भूनने पानी में पी लो, ये भी दस्त ठीक कर देता है। पेट अगर आपका साफ नहीं होता, कब्जियत रहती है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा है अजवाइन।
अजवाइन आप जानते हैं घर में, इसको गुड़ में मिला के चबा के खाओ और पीछे से गर्म पानी पी लो तो पेट तुरंत साफ होता है। रात को खाके सो जाओ, सुबह उठते ही पेट साफ होता है। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, बिल ये जो होता है ना त्रिफला चूर्ण, हर बहेड़ा आंवले से बनता है त्रिफला, एक चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लो पानी के साथ रात को सोते समय, पेट साफ हो। और कुछ पेट से जुड़ी दो तीन खराब बीमारियां हैं, जैसे बवासीर, पाइल्स, हेमरॉइड्स, फिशुला, फिशर, ये सब बीमारियों में अच्छी दवा है मूली का रस। एक कप मूली का रस पियो खाना खाने के बाद, दोपहर को या सवेरे, शाम को मत पियो मूली का रस, सुबह या दोपहर को खाने के बाद एक कप, तो हर तरह का बवासीर ठीक होता है, बगंदर ठीक होता है, फिस्टुला फिशर ठीक होता है, अनार का रस पियो तो भी ठीक हो जाता है। घुटनों का दर्द है, गठिया, संधिवात, इसकी दवा है मेथी, हल्दी और सूखा हुआ अदरक, सौंठ, हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तीनों को बराबर मात्रा में पीस कर इनका पाउडर बना के एक चम्मच लेना गर्म पानी के साथ सुबह खा लेते तो इससे घुटनों का दर्द ठीक होगा, कमर का दर्द ठीक होगा, डेढ़ दो महीने ले सकते। और एक अच्छी दवा है, एक पेड़ होता है उसको हम हिंदी में हार सिंगार कहते हैं, संस्कृत में परिजात कहते हैं, उड़िया में गंगा शिवली कहते हैं। उस पेड़ पर छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं और फूल की डंडी नारंगी रंग की होती है और उसमें खुशबू बहुत आती है। रात को फूल खिलते हैं और सुबह देखोगे तो सब जमीन पे पड़े हुए मिलते हैं। ये पेड़ के पांच पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बनाओ और एक गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पियो तो 20-20 साल पुराना गठिया का दर्द इससे ठीक है, बहुत अच्छी है। और यही जो पत्ते हैं ना हार सिंगार गंगा शिवली के, इस पत्ते को पीस के गर्म पानी में डाल के पियो तो बुखार ठीक कर देता है, और जो बुखार किसी दवा से ठीक नहीं होता वो इससे ठीक होता है, जैसे चिकनगुनिया का बुखार, डेंगू फीवर, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया, ये सभी ठीक होता है। बुखार की और एक अच्छी दवा है अपने घर में तुलसी पत्ता, 10-15 तुलसी पत्ता तोड़ो, 3-4 काली मिर्च ले लो पत्थर में पीस के, एक गिलास पानी में गर्म करके पी जाओ तो इससे भी बुखार ठीक होता है। बुखार की और एक दवा है नीम की गिलोय, अमृता भी कहते हैं उसको, गुड़ुची भी कहते हैं, गुड़ुची कहते हैं, गिलोय कहते हैं। ये नीम के पेड़ पर एक बेल चलती है, उसको थोड़ा सा काट लो चाकू से और पानी में पहले उसको पत्थर पे पीट लेना, कुचल लेना, फिर पानी में उबाल लेना, फिर वो पानी पी लेना तो खराब से खराब बुखार ठीक हो जाता है 3 दिन। और कई बार बुखार जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो ऐसा होता है कि खून में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तब उसमें सबसे ज्यादा काम आती है ये गिलोय गुड़ुची। और एक दवा बताता हूँ वो भी आपके बहुत काम आएगी, ये जो चूना होता है ना पानी में खाते हैं चूना पत्थर वाला, ये 70 बीमारियां ठीक कर देता है अकेला चूना, 70 बीमारी ठीक करता है। क्या क्या बीमारी ये ठीक करता है, जैसे किसी को पीलिया हो जाए जॉन्डिस है ना, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना, गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिला के पिलाओ जिसको पीलिया हो, बहुत जल्दी ठीक कर देगा। और यही चूना जो है ना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है, अगर किसी को नपुंसकता है, इम्पोटेंसी है, पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बिल्कुल नहीं है, आप उसको चूना खिलाते हो गन्ने के रस, साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगते हैं।
माताओं के लिए भी बहुत काम था। जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूर्ण। और ये चूना बच्चे लोग सब सुने विद्यार्थी, आपको अगर लंबाई बढ़ानी है तो चूना खाओ, लंबाई बहुत बढ़ती है। कैसे खाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाओ, और दही नहीं है तो दाल में मिला के खाओ, दाल नहीं है तो पानी में मिला के पानी पी लो, चूना खाओ, लंबाई बढ़ेगी। और लंबाई तो बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है चूने से, याद बहुत रहता है। जो बच्चे हर दिन चूना खाएंगे उनको स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, याद बहुत होता है। और ये बच्चे लोग और ध्यान से सुने, कई बार आपको ऐसे बच्चे दिखाई दें जिनकी बुद्धि कम काम करती है, मतिमंद बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम है, जिनका दिमाग कम चलता है, देर में काम करते हैं, देर में सोचते हैं, हर चीज उनकी स्लो है, वो सभी बच्चों को चूना खिलाइए, बहुत अच्छे हो जाएंगे। कितना खिलाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर। किस में खिलाएंगे? या तो दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो पानी में, नहीं तो गन्ने के रस में, संतरे के रस में, मौसमी के रस में। ये बहने सब सुने इस बात को ध्यान से, हमारे घर में जब बहनों को मासिक धर्म होता है मेंसेस का, उस समय कुछ भी तकलीफ होती है तो उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। मासिक धर्म की, मेंसेस साइकिल की जितनी बीमारियां हैं चूना सबको ठीक कर दे। और हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई और उनका मासिक धर्म बंद हुआ, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। सभी माताओं को बताएं, गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दही में, लस्सी में, दाल में, नहीं तो पानी में घोल के पीना। जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो आप उसको जरूर बोलो कि चूना रोज खाए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। कितना चूना खिलाना? गेहूं के दाने के बराबर हर दिन। और किस चीज में खिलाए? गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए ये अनार के रस, अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, ये मिला के रोज खिलाइए। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगा। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त होगा, बहुत हेल्दी बेबी होता है। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी गंभीर बीमार नहीं पड़ता जिसकी माँ ने चूना खाया। और चौथा सबसे बड़ा लाभ है, वो बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। जिस बच्चे की माँ ने गर्भावस्था के समय 9 महीने चूना खाया अनार के रस में, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट है, उसका IQ बहुत अच्छा है। तो ये चूना है ना, बहुत बढ़िया, आप इसको खाओ। और क्या क्या काम करता है ये चूना? घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है, एक खतरनाक बीमारी है ना स्पॉन्डिलाइटिस, वो चूने से ठीक हो जाए। कई बार हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसके जो मनके होते हैं ना, इनमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, ये चूना ही ठीक करता है फिर इसको। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक है। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है।
चूना खाओ, बहुत अच्छा। समय सुबह खाली पेट है जी, हाँ हाँ करते हैं ना। और बताता हूँ आपको, मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाए, तुरंत ठीक हो। मुंह में छाले हो गए हैं, चूने का पानी पियो, तुरंत ठीक हो। ये जो चूना है तब जरूर लेना जब खून कम हो जाए शरीर में, एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। चूना पीते रहो गन्ने के रस में या तो संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में। अनार के रस में चूना पिए खून बहुत बढ़ता है, बहुत जल्दी खून बढ़ता है। एक कप अनार का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना। आपके शरीर में है, नहीं सुबह खाली। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के वो सब लोग जो चूने का पान खाते हैं बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन तंबाकू नहीं खाना, तंबाकू खतरनाक। चूना अमृत है, तंबाकू जहर, तो चूना खाइए तंबाकू मत खाइए, और पान खाइए चूने का, उसमें कत्था मत लगाइए। ये जो आप कत्था लगाते हैं ना, ये कैंसर करता है कत्था। पान खाइए चूना लगा के, कत्था मत लगाइए, सुपारी मत डालिए, सौंफ डालिए उसमें, इलायची डालिए, लौंग डालिए, केसर डालिए, ये सब डालिए पान में चूना लगाते। तंबाकू नहीं, सुपारी नहीं, साइटिका में चूना बहुत अच्छा काम है, खा के देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मत कराइए। अगर आपके घुटनों में घेसाव आ गया और डॉक्टर कहता है ये घुटने बदल दो, तो भी जरूरत है, चूना खाते रहिए। और मैंने जो बोला हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा, घुटने बहुत अच्छे काम करेंगे। मेरा सबको ये कहना है, चूना खाइए, चूना लगाइए मत कभी किसी। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। आजकल अपने देश में चूना लगाने वाले बहुत हैं, ये भगवान ने खाने के लिए दिया। और भारत में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं जो रोज देश को चूना लगा। अभी आपने देखा एक खतरनाक नेता, ए राजा, उसने 1,76,000 करोड़ का चूना लगा दिया देश, माने घोटाला कर दिया, भ्रष्टाचार। और ये जो ए राजा है ना, 350 साल से चूना लग, माने 3.5 साल से चूना लगा रहा है देश को, और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उसको निकाल के बाहर कर। ऐसे कमजोर और बेबस प्रधानमंत्री हैं हमारे। वो कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, सारे देश के लोग भी कहते हैं प्रधानमंत्री ईमानदार है, लेकिन 3.5 साल से अपने मंत्रालय के सबसे बेईमान नेता को नहीं हटा पाए, तो उनकी ईमानदारी का क्या करें हम। प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके मंत्रालय में 1,76,000 करोड़ का कोई घोटाला कर रहा है और 3 साल और 6 महीने से कर रहा है, और वो उसको निकाल नहीं पाए, गिरफ्तार नहीं करा पाए, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला पाए, तो प्रधानमंत्री की ईमानदारी उनके घर के लिए ठीक है, देश के लिए क्या फायदा। अभी थोड़े दिन पहले ऐसे ही और एक नेता है सुरेश कलमाणी, उसने 77,000 करोड़ का चूना लगा दिया कॉमनवेल्थ खेल। ये कॉमनवेल्थ खेल एक तो समझ में नहीं आता मेरे। दुनिया में 71 देश हैं जो गुलाम बने किसके, अंग्रेजों, और अंग्रेजों ने 71 देशों को गुलाम बनाया। ये 71 देश मिलकर हर 4 साल में अपनी गुलामी को याद करने के लिए खेल कराते, गुलामी याद करते हर 4 साल। और कैसे याद करते हैं, जिस अंग्रेज महारानी ने
उसको बुलाते हैं और उसकी चरण वंदना करते हैं, और वो जब तक महारानी नहीं आती तब तक खेल शुरू नहीं होता। और इस बार क्या हुआ, महारानी बीमार पड़ गई तो उसका बेटा आया, उसके बेटे ने जब तक घोषणा नहीं की तब तक खेल शुरू नहीं हुआ थे। और महारानी आती है उसके पहले उसका डंडा आता है, महारानी का डंडा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वींस बैटन्स, बैटन्स माने डंडा, सरल हिंदी में बोलना चाहिए महारानी का डंडा। वो लंदन से आया भारत और उसी में सबसे बड़ा घोटाला कर दिया ये सुरेश कलमांडी और इसके सहयोगी। डंडे को भारत तक लाने में जितना पैसा खर्च किया ना, उतने पैसे में तो 100 डंडे सोने के बना सकते थे, ऐसा घोटाला कॉमनवेल्थ। और खेल हुए तो उसके लिए खरीद फरोख्त की गई, तो जैसे कुर्सी है ना, कुर्सी आप किराए पे लो, 2 रुपए की मिलती है, ठीक है, 2 रुपए 3 रुपए रोज के किराए पे कुर्सी मिलती है। इन्होंने कुर्सी किराए पे ली 750 रुपए रोज के किराए, उतने में तो 100 कुर्सी खरीद सकते, 50 कुर्सी खरीद। ये जो एसी होता है एसी, ये किराए पर लिया, उतना किराया रोज दिया जितने में एसी खरीद सकते। एक एसी 19-20 हजार में आ जाता है, रोज का किराया दिया एसी का, इतना कॉमनवेल्थ खेलो। ऐसा बड़ा घोटाला किया है। हमारे देश की एक संस्था है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनका ये कहना है कि कॉमनवेल्थ खेलों में करीब 78,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ कुल, वास्तव में 8,000 करोड़ खर्च किया गया और 70,000 करोड़ इन बेईमान नेताओं ने आपस में बांट के खा लिया। और सीबीसी ने अभी बताया है कि ये सारा पैसा विदेशी बैंकों में जमा कर दिया सुरेश कलमांडी एंड कंपनी, और प्रधानमंत्री की दम नहीं है कि मुकदमा चला सके उसके ऊपर, क्योंकि उसकी ताकत प्रधानमंत्री से बड़ी है, क्योंकि वो श्रीमती सोनिया गांधी का सबसे खास आदमी। ऐसे घोटाले हो रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचार हर दिन हो रहे हैं। एक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, कारगिल के शहीदों के परिवारी जनों को देने के लिए घर बनाए और वो घर सब बेईमान और भ्रष्ट नेताओं ने ले लिए, और एक एक घर की कीमत 2.5-3 करोड़ और नेताओं ने उसको ले लिया 15-20 लाख। मुख्यमंत्री जो सभी इस्तीफा दिया, अशोक चव्हाण, उसकी साली ने ले लिया, उसके बहनोई ने ले लिया, उसकी सरेज ने ले लिया, पूरा घर परिवार लेके बैठा है। हर जगह ये घोटाले, बेईमानी, भ्रष्टाचार घुस गया। और ये तो कुछ वो घोटाले हैं जो आपकी नजरों में आ जाते हैं, जो चुपचाप होते हैं वो पता ही नहीं। आजकल एक बहुत बड़ा घोटाला इस देश में चल रहा है, भारत की जो किसानों की जमीनें हैं वो कौड़ी के भाव में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को बेची जाती है। जो जमीनें लाखों करोड़ों की संपत्ति है उनको बहुत सस्ते में बेच रहे। हर राज्य में ये घोटाला चल रहा है। मैं अभी उड़ीसा से आया, उड़ीसा में 52,000 एकड़ जमीन एक विदेशी कंपनी को बेच दी वहां के मुख्यमंत्री का। वो विदेशी कंपनी का नाम है वेदांता स्टरलाइट, और उससे भी ज्यादा 82,000 एकड़ जमीन दे दिया पॉस्को को, वो एक साउथ कोरिया की कंपनी। और अभी हाईकोर्ट में मामला आया तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये जमीन पूरा गैर कानूनी और अवैध तरीके से बेचा गया, किसानों की जमीन है, उनको लाठी मार के, डंडा मार के, बंदूकों की गोलियों से मार के, घायल करके छीन लिया जमीन और विदेशी कंपनी को बेच दिया। हर राज्य में ये चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी यही चल रहा है, हजारों एकड़ जमीनें किसानों से छीन छीन के विदेशियों को बेच रहे। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, सारे देश में ये घोटाला चल रहा है। और ये इतना बड़ा घोटाला है कि अगर इसमें इंक्वायरी हो जाए
तो 10-20 लाख नहीं, 50 लाख करोड़ रुपए का ये निकलेगा, क्योंकि जो जमीन 1 एकड़ 100 करोड़ की है वो दे रहे हैं आप 1 करोड़ में, 5 करोड़ में, 10 करोड़, और कंपनी उसके बदले में नेताओं को घूस दे रही है, रिश्वत दे रही है, और उनके विदेशी बैंकों के खाते भरते ही चले जा रहे हैं। ये रोज होता है हमारे देश। दुख की बात ये है कि जैसे ही आजादी मिली इस देश में तो ये घोटाले शुरू हो गए। आजादी आई 1947 में, आजादी मिलते ही थोड़े दिन में सबसे बड़ा घोटाला हुआ जीप स्कैंडल। एक घोटाला ऐसा हुआ था कि भारत सरकार ने जीप खरीदी कागज पर, वास्तव में नहीं आई जीप, कागज पे आई, पैसे चले गए और जीप नहीं आई वास्तव में, और सेना इससे परेशान हो गई। सेना को जीप की जरूरत थी, हमारे रक्षा मंत्री ने ऑर्डर दिया, पैसे भी एडवांस में दिए, जीप नहीं है, और इसी चक्कर में भारत के लोग युद्ध हार गए चाइना से, हजारों वर्ग मील जमीन चली गई, हजारों सैनिक हमारे मारे गए, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। और उस समय रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, और इतने बेशरम आदमी के घोटाला किया, पता चल गया, सिद्ध हो गया, और वो कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जैसे ए राजा अभी तक बोल रहा था ना, इस्तीफा नहीं दूंगा भले ही घोटाला मैंने किया। और ये घोटाला करने वालों की हिम्मत देखो, ए राजा अभी तक ये कह रहा है कि मैंने जो कुछ किया वो प्रधानमंत्री को बता के किया, माने प्रधानमंत्री को 3.5 साल से ये सब पता था जो कुछ वो कर रहा। जीप स्कैंडल हुआ, उसके बाद एक पिस्तौल स्कैंडल हुआ था, पिस्तौल खरीदी गई कागज पे लेकिन नहीं आई वास्तव में। सेना के हथियार खरीदने में इतने घोटाले हो चुके हैं पिछले 64 साल में। हम लोगों ने एक छोटा सा काम शुरू किया है कि जितने घोटाले पिछले 64 साल में हुए इनका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है दस्तावेज। अभी तक हमने जितना कुछ इकट्ठा किया है उससे पता चला कि पिछले 64 सालों में 340 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हो चुके हैं। 340 लाख करोड़, और ये घोटाले करने वाले लोग नेता अधिकारी और कोई नहीं, दो ही। और ये पैसा कहाँ गया? ये सारा पैसा इन नेताओं ने अपने नाम से विदेशी बैंकों में जमा कर दिया। स्विट्जरलैंड नाम का एक छोटा सा देश है, वहां की 330 बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेताओं के 84,000 खाते हैं। उन खातों में 280 लाख करोड़ रुपए जमा है। ये अभी स्विट्जरलैंड की सरकार ने खुद कहा। वहां की बैंकों का एक एसोसिएशन है जिसका नाम है यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। उनका कहना है कि भारत के भ्रष्ट नेता और अधिकारियों का 280 लाख करोड़ बैंकों में जमा है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड जैसे दुनिया में 70 देश हैं, वहां की बैंकों में 60 लाख करोड़ और अलग से जमा, कुल 340 लाख करोड़ रुपए लूट कर वहां जमा कर लिए। अब क्या किया जाए? तो भारत स्वाभिमान का जो आंदोलन शुरू हुआ इसमें हमने संकल्प लिया है कि जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत खाई है, घूस लेकर ये पैसे विदेशों में जमा किए हैं, एक तो इनको कठोर दंड दिया जाए और ये सारे पैसे जब्त करके वापस भारत में लाए जाए, और इसी पैसे से देश का गरीबी, बेरोजगारी और हमारी भुखमरी मिटाई जाए। ये हमने आपके मन में सवाल आएगा कि ये पैसा विदेशों में जमा हो गया है, क्या ये वापस आ सकता है? हाँ, ये आ सकता है। इसका हमने अध्ययन किया तो इसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अगर ये सारा पैसा जो 340 लाख करोड़ का विदेशी बैंकों में जमा किया हुआ है नेताओं ने, ये नेताओं ने अपनी संपत्ति बनाकर जमा कर रखा है, व्यक्तिगत संपत्ति, अगर इस पैसे को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया जाए तो ये सारा पैसा वापस आ जाए। दुनिया में एक कानून है, वो सब देशों में है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, सभी देशों पर लागू है वो कानून,
कानून क्या है वो ये है कि जब तक पैसा किसी की व्यक्तिगत संपत्ति होता है वो दुनिया में कहीं भी जमा होगा, लेकिन जब वो पैसा किसी राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है तो वो उसी राष्ट्र में जमा हो सकता है जिस राष्ट्र की वो संपत्ति है। अभी जो 340 लाख करोड़ है ये नेता और अधिकारियों ने व्यक्तिगत नाम से जमा किया हुआ है। अगर हम इसको भारत देश की संपत्ति बना दें तो ये भारत में ही जमा हो सकता है, बाहर नहीं रह सकता है। तो हमने एक काम किया है कि इस पैसे को राष्ट्र की संपत्ति बनाने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करवाया है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद से भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल हुआ है और उस मुकदमे को दाखिल किया है एक बहुत बड़े वकील ने, उनका नाम है श्री राम जेठमलानी। अच्छी बात क्या हुई है कि इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। और मुकदमा क्या है, मुकदमा ये है कि विदेशी बैंकों में जो पैसे जमा कर रखे हैं भ्रष्ट नेताओं ने, इसको भारत में वापस लाया जाए और इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा स्वीकार किया। अब इस पर बहस हो रही है। बहस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि आप जल्दी से इस पैसे का पता लगाओ और ये किसका पैसा है, कितना है ये हमें बताओ। तो सरकार के अधिकारी दुनिया के 70 देशों में अभी घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि किस किस का कितना पैसा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस देकर ये पूछा था कि कितने देशों में पैसे का अब तक पता चला, तो भारत के वित्त मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि 34 देशों में पैसे का पता चल गया है, 36 देशों में पता चलना बाकी है, कुल 70 देशों में ये पैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितने दिन लगेंगे आपको पता करने में, तो सरकार ने कहा एक साल लगेगा। तो 2011 के अंतिम माने दिसंबर 2011 तक सरकार ये पता लगाकर सुप्रीम कोर्ट को बताएगी और सुप्रीम कोर्ट फिर इसको राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दे, ये हमारा उनको निवेदन है। पता चल गया एक बार फिर इसको संपत्ति बना दे देश की, और कोई नेता चिल्लाएगा तो उससे पूछ लो कि तुम कहां से लाए ये पैसा, उसको पूछो तुम्हारे बाप ने दिया, तुम्हारे दादा ने दिया, तुम्हारे नाना ने दिया, तुम्हारी नानी छोड़ गई थी, तुम्हारी दादी छोड़ गई थी, किसने दिया तुमको। नेता कहेगा जी मैंने कमाया, तो बता दो अपनी कमाई का हिसाब। तुम मुख्यमंत्री रहे, तुम वित्त मंत्री रहे, तुम प्रधानमंत्री रहे, तो कितनी तनख्वाह मिलती है और कितना पैसा होता है और ये कितना है। हमने कई नेताओं की जन्म कुंडली बनाई, जन्म कुंडली ये नहीं राहु केतु वाली, जन्म कुंडली ये कि उनके पास कितना पैसा आ गया जब वो राजनीति में आए और जब वो राजनीति में नहीं थे तो क्या था। तो एक भारत का महाभ्रष्ट नेता है, महाराष्ट्र का है, दो बार मुख्यमंत्री बना है महाराष्ट्र में, अभी मंत्री है केंद्र सरकार में। 25 साल पहले इसके घर में साइकिल भी नहीं थी, साइकिल नहीं थी उसके घर में, आज उसकी संपत्ति 72,000 करोड़ की है। कहां से आया है 25 साल में बता दो, और अगर सिद्ध कर दो कि ये तुम्हारा है तो तुम ले लो, और नहीं सिद्ध कर पाए तो ये देश का पैसा तुम्हारा थोड़ी है, तुमने लूटा बेईमानी की। ऐसे एक नेता है महाराष्ट्र का है, मुख्यमंत्री रह चुका है महाराष्ट्र में, अभी केंद्र में मंत्री है। 25 साल पहले वो सब्जी बेचता था मुंबई रेलवे स्टेशन में, दादर में सब्जी बेचता था, टमाटर गाजर मेथी पालक। आज उसकी संपत्ति 55,000 करोड़ की है। सब्जी बेचने से इतनी कमाई होती है। एक नेता है वो भी केंद्र में मंत्री है, वो भी महाराष्ट्र का है। 25 साल पहले वो सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था मुंबई, और आज उसकी संपत्ति 45,000 करोड़ की। ऐसे 84,000 नेता हैं। इन सबसे पूछा जाए कि तुम लाए कहां से बताओ, तुम सब्जी बेचते थे, तुम सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे, तुम दूध बेचते थे, और इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनी कैसे,
तो बताओ सुप्रीम कोर्ट को, और नहीं बताते तो ये सारा पैसा जब्त करो और ये राष्ट्र की संपत्ति घोषित करो। उम्मीद है कि 1.5 साल के अंदर इस मुकदमे का फैसला आ जाएगा, हम जीतेंगे और 340 लाख करोड़ वापस आएंगे। एक ही बात है जो हमारे दिल में खटकती है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट तो ये पूरी ईमानदारी से ये मामले की जांच कर रहा है, लेकिन ये जो बेईमान नेता है ना, इनके हाथ में एक छोटी सी ताकत है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर करा सकते, ये इनके हाथ में। तो हमें कई बार लगता है कि शायद हमारे इस मामले में भी जो जज है ना अभी तो ईमानदार है, फिर उनका ट्रांसफर करा दें और बेईमान जज आ गए तो क्या करेंगे। तब हमने दूसरा संकल्प लिया और हमारा ये है कि हम फिर भारत की संसद में एक प्रस्ताव पास करेंगे और उसमें ये कहेंगे कि जो विदेशी बैंकों में भ्रष्टाचार का पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति संसद घोषित करे। और इसके लिए कई सांसदों को हम बात कर रहे हैं, खुशी की बात है कि कई सांसद तैयार हैं इसके लिए, जिनका कोई पैसा नहीं वो तैयार है, बोले तो ठीक है बिल पेश करें। हाँ ऐसे कई सांसद हैं तो वो कह रहे हैं कि स्वामी जी का आशीर्वाद जिस दिन मिलेगा बिल पेश कर देंगे संसद, स्वामी जी का आशीर्वाद जिस दिन मिलेगा बिल पेश कर देंगे संसद। और स्वामी जी ने कहा है कि पहले देख लो भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो उसके बाद देखेंगे, तो 1.5-2 साल में ये फैसला नहीं आया तो संसद में विधेयक पेश करेंगे। और बिल तो संसद में दो सांसद लाते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा में, बहस सभी को करनी पड़ती है उस पर, तो बहस होगी उस पर, बहस वाले दिन हम देखेंगे कि कौन कौन सांसद इसका विरोध करता, क्योंकि जो विरोध करेगा पक्की बात है बेईमान वही है, हरामी वही है, पैसे उसी के हैं, खाता उसी। तो सारा देश देखेगा कि बेईमान सांसद कौन कौन, और ये बहस टीवी पे आएगी, आप तो जानते हैं, आप तो सब बहस संसद की टीवी पे आती है, तो ये भी आएगी, तो आप भी देखना मैं भी देखूंगा, और आपका एरिया का सांसद क्या कह रहा है ये जरूर देखना, वो विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है, तो पता तो चले बेईमान कौन ईमानदार कौन। और कई लोग हमको ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि राजीव भाई जिस दिन ये विधेयक संसद में आएगा बहुत सारे नेता डर के मारे ही विरोध नहीं करेंगे क्योंकि पोल खुलेगी विरोध करेंगे। तो हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो विरोध नहीं करेंगे तो विधेयक पास हो जाएगा, तो कानून बन जाएगा, तो पैसे आ जाएंगे, और अगर वो विरोध करेंगे तो सारा देश देखेगा बेईमान कौन कौन है संसद। तो अपने तो दोनों हाथ में लड्डू है, हमको क्या नुकसान। और अगर एक ही बात है कि संसद में अगर विरोध नहीं हुआ तो बिल पास हुआ, कानून बना, पैसे आए, और अगर विरोध हुआ तो ये बिल गिरेगा, यही होने वाला है ना, फिर बिल नहीं पास होगा। तब हमने तीसरा संकल्प किया कि 2014 में लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो जो जो सांसदों ने ये बिल पास नहीं होने दिया उन सबके चुनाव क्षेत्रों में जाकर उनकी पोल खोलेंगे, उनकी जन्म कुंडली खोलेंगे और जनता के सामने नंगा करेंगे, और फिर जनता से कहेंगे ऐसे बेईमान और हरामियों को दोबारा जिताओ जो देश का पैसा नहीं आने दे रहे। और हमारा पक्का विश्वास है कि जनता उन्हें हराएगी और उनके स्थान पर ईमानदार सांसद जीत कर आएंगे, और हमने इसकी तैयारी कर ली है। 400 संसदीय क्षेत्रों से हम कम से कम 400 सांसदों को जिता के लाएंगे इस 2014 के चुनाव। और ये संकल्प एक सन्यासी ने लिया है और सन्यासी के सारे संकल्प पूरे होते हैं। और अच्छी बात यह हुई है कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने ये जो संकल्प किया, इस संकल्प का समर्थन करने के लिए 70 और भी साधु संतों ने घोषणा कर दी है कि 2014 का चुनाव आएगा तो हम भी स्वामी रामदेव जी के साथ जाएंगे इस काम। और जिन 70 संतों ने, सन्यासियों ने ये घोषणा की है उनमें से 2-4 नाम बताता हूं। परम पूजनीय स्वामी सप्तमित्रानंद गिरी, परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी,
परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य कांचीपुरम, परम पूजनीय मुरारी बापू, परम पूजनीय सुधांशु महाराज, परम पूजनीय रमेश भाई ओझा, परम पूजनीय किरीट भाई ओझा, परम पूजनीय डॉक्टर प्रणव पंड्या, गायत्री परिवार, ये सब 70 संतों ने ऐलान किया है कि अब पानी सिर से गुजर चुका है, भ्रष्टाचार में पूरा देश फंस गया है, अब ये सारे संत और सन्यासी निकलेंगे देश में और 2014 के चुनावों में 400 एक दिन मैंने क्या किया, ये सब 70 संतों के भक्त कितने हैं पूरे देश में इसकी संख्या जोड़ी, तो इनके कुल भक्त इतने हैं कि वो इकट्ठे होके अगर वोट डाल देंगे तो 514 सांसद आराम से जीत जाएंगे, असंभव कुछ नहीं। और ये काम जब हम करा लेंगे, नई संसद बनाएंगे, नए सांसदों को लाएंगे, फिर बिल पास कराएंगे, और एक मिनट में बिल पास होगा, कानून बनेगा, ये पैसे वापस आएंगे, और ये पैसे आ गए तो भारत के गांव गांव में फिर विकास का काम करेंगे। मैंने इसका अभी थोड़े दिन पहले हिसाब जोड़ा कि 340 लाख करोड़ से सोना खरीदें, सोना, और भारत के हर परिवार को दे दें वो सोना, तो 25 करोड़ परिवारों में हरेक परिवार को 100 किलोग्राम सोना दान में दिया जा सकता है, 100 किलो सोना हर परिवार को दे सकते, पूरा देश जो है ना सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बन जाए। अगर ये सारा सोना इकट्ठा करके सड़क पे बिछा दें तो भारत के 6,38,365 गांव की हर एक सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का परत बिछा सकते, बहुत बड़ी रकम है, और इतने धन से देश का विकास कर पाएंगे आराम से, बचेगा इसमें भी। हमने हिसाब निकाला कि हर गांव में 100 उद्योग लगाए, हर गांव में 100 उद्योग, 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में 100 उद्योग, जैसे जो जो गांव में कपास पैदा होती है वहां खादी बनाने का उद्योग, कपास से सूत बनाएंगे, चरखा चलाएंगे, खादी बनेगी, तो 15 करोड़ लोगों को काम मिलेगा। फिर भारत के लगभग 5 लाख गांव में गाय है, गाय तो गाय का मूत्र है, मैंने आपसे कहा गाय मूत्र से दवा बनती है और कैंसर की दवा बनती है, दमा अस्थमा की बनती है, 48 बीमारियों की दवा गाय मूत्र से गांव गांव बना सकते हैं, उसका उद्योग। फिर गाय का गोबर है, गाय के गोबर से गैस निकलती है, वो गैस को सिलेंडर में भर के हम गाड़ियां चला सकते हैं, वो गैस से हम घर का खाना बना सकते हैं, वो गोबर गैस से बिजली बना सकते हैं, तो 5 लाख गांव में गाय है, बैल है, भैंस है, उसका गोबर है, एक दिन का गोबर इकट्ठा करें तो उसकी गैस इतनी है कि 1 करोड़ गाड़ियां चल सकती हैं, 50,000 मेगावाट बिजली बन सकती है हर घंटे, तो ये काम करेंगे गाँव गाँव में। फिर भारत के गांव में जहां गेहूं पैदा होता है वहां गेहूं का आटा बनाने का उद्योग शुरू करेंगे, क्योंकि गेहूं तो कोई खाता नहीं, सब